स्टार्ट करें। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये तीन होमवर्क होमवर्क दिया था कि भाई ये करके लाना। आंसर बताओ जरा कितना इसका? 35,000। इसका 12,500 किसने बता दिया? इसका भी टैक्स निकाल रहे हो 5 लाख वाले का भी? अरे इसको रिबेट मिल जाएगी ना अंडर सेक्शन 87A। चलो इसे भी कैलकुलेट कर देता हूं मैं भी। तो सबसे पहले अगर आपकी 8 लाख की इनकम थी और आप कौन से टैक्स रेजिम में हो? ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो सबसे पहले आपको 0 से 2.5 लाख तक जो टैक्स होता है वो 0 होगा, यानी 0। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, जो कि होगा 12,500। ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे थे। और 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% होता है। तो 5 लाख से ऊपर कितना? 8 लाख तक 20%, क्योंकि 8 लाख ही इसकी इनकम थी। तो फिर कितना आ गया? 60,000 रुपए। बीच का अमाउंट जो है 3 लाख का है, 3 लाख का 20% 60,000। तो ये आपने बताया 72,500 रुपए। क्या इसको रिबेट मिलेगी? क्योंकि इसकी इनकम है 5 लाख से ज्यादा, पर रिबेट नहीं मिलती ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर में। तो इसकी इनकम तो 8 लाख है, तो इसको कोई रिबेट नहीं मिलनी। अच्छा, 7 होती तो भी रिबेट नहीं मिलती। 7 न्यू टैक्स रेजिम में रिबेट है, ओल्ड टैक्स रेजिम में रिबेट नहीं है, 5 लाख पे है। तो 72,500 प्लस क्या सरचार्ज वगैरह कुछ लगना है? सरचार्ज तो जब उसकी इनकम 50 लाख क्रॉस करेगी तब सरचार्ज लगेगा। तो यहाँ पे सीधा सिर्फ क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। ये कितना बता रहे हो? कितना? 2900। अब ये टोटल कितना आ गया है? होपफुली ये सही निकाला होगा आप सबने, वैसे तो आंसर देख ही लिया था हमने। दूसरी 17 लाख की इनकम थी, वो भी फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 0 से 2.5 लाख तक 0%, यानी कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख पे, सॉरी 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, जो कि 12,500 होती है। 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, विच इज 1 लाख, ठीक है। और 10 लाख से ऊपर जो भी होगा, चाहे जितना भी जाए, उसका 30%। तो 17 लाख का 7 लाख का 30%, ये बीच का अमाउंट 7 लाख है। 2,10,000। अब ये बता दो कितना आ गया? 3,22,500। अब इसमें क्या ऐड करना है आपको? सरचार्ज ऐड करना है क्या? नहीं, सिर्फ क्या ऐड करना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना? 4%, 12,900, जिसका टोटल कितना आ गया? 3,35,400। होपफुली ये दोनों पॉइंट समझ आ गया होगा। अच्छा, 5 लाख वाले का देखते हैं। 0 से 2.5 लाख तक 0%, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, जो कि टैक्स बनता है 12,500। तो टैक्स बनता 12,500 पर, क्या इसको रिबेट मिलेगी? हाँ, जिसकी इनकम 5 लाख तक होती है उसको ओल्ड टैक्स रेजिम में रिबेट मिलता है। कितने रुपए का रिबेट मिलता है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A, पूरे 12,500 का, या फिर अगर टैक्स इसका 12,000 बनता तो 12,000 का, तो जो भी दोनों में से कम है उसकी पूरी रिबेट मिल जाएगी, और टैक्स कितना बनेगा? 0। तो होपफुली आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा कि अगर आपको एक कैलकुलेशन आ गई तब तो कैसी भी कैलकुलेशन दे दूं आप कर लोगे, बट फिर भी आप में से कई लोग गलती कर रहे थे पुराने वाले में जो मैंने होमवर्क दिया था। तो पता नहीं कैसे मैथ इतनी कमजोर कैसे है तुम्हारी। चलो, तो ये होपफुली समझ आ गया होगा। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में बूढ़े लोगों की इज्जत करता है। वो क्या कहता है कि अगर 2.5 लाख तक कमा रहे हो, ये तो जवान लोगों के लिए है ना भाई, बूढ़े लोगों को थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाए। तो उन्होंने रिस्पेक्ट करने के लिए बोला गया उनको सीनियर सिटीजन, ये तो आप सब भी बोलते हो, ठीक है। और उनकी एज क्या होगी? 60 साल से ज्यादा। अच्छा, उनको क्या रिबेट मिले, मतलब क्या टैक्स उनका क्या स्लैब रहेगा? स्लैब बोलते हैं इसको। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं उनके लिए, बाकियों के लिए क्या था? 2.5 लाख तक, बाकियों के लिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, इनके लिए क्या हो गया? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इसके आगे सेम वैसा पुराना चलेगा, जैसे 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था, तो इनका क्या हो गया? 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर 20%, और 10 लाख से ऊपर पे 30%। समझ आया? तो लगभग सेम है, बस एज 60 साल हो जाती है, तो थोड़ा सा फायदा मिलता है। पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और इसके सिवा कोई और फायदा नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट करना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, कुछ रुपए का डिफरेंस आएगा।
लगभग 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार के आसपास का डिफरेंस आएगा, आप कैलकुलेट करोगे समझ आ जाएगा। चलो अगर बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की, सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी एज और ज्यादा 80 से ज्यादा, भाई वो फिर कमा रहा है यही बहुत बड़ी बात है, तो उससे क्यों टैक्स मांग रहे हो? पर फिर भी गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई अगर आप 5 लाख तक कमाते हो तो कोई टैक्स नहीं लेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 3 था उनके लिए, इनके लिए कहां तक कर दिया 5, 5 लाख तक कोई टैक्स मत देना, लेकिन 5 से ऊपर पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जैसे उनका चलता था 5 से 10 लाख पे 20%, वैसे ही, और 10 लाख से ऊपर पे 30%, वैसे ही, ठीक है। अच्छा अब आप बोलोगे सरचार्ज में कोई डिफरेंस? नो डिफरेंस, जैसा सरचार्ज लगता था 50 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो वैसे ही तुम्हारा लगता रहेगा, ठीक है। रिबेट वही सेम टू सेम रिबेट मिलेगी। अच्छा इनको रिबेट की तो जरूरत ही नहीं है सुपर सीनियर सिटीजन को, क्योंकि 5 लाख तक तो इनका वैसे भी टैक्स नहीं बन रहा, और रिबेट भी कहां तक मिलती है 5 लाख तक ही, तो इनको वैसे जरूरत नहीं थी, बट रिबेट सारे के सारे सेम, 87A वाला रिबेट का सेक्शन सेम चलेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सेम चलेगा, ठीक है। चलो एक दो और देता हूं मैं आपको कैलकुलेशन, मुझे पता आप पक चुके हो कैलकुलेशन करते करते, पर एज के साथ एक बार एज के साथ भी कैलकुलेशन हो जाए। तो अगर किसी की एज है 63 एज, ठीक है, तो इसके जो इनकम है वो मान लेते हैं, किसकी बात कर रहा हूं, नेट टैक्सेबल इनकम की 12 लाख रुपए है, इसका टैक्स कितना आएगा? और किसी की एज है 81 और उसका नेट टैक्सेबल इनकम है 6 लाख रुपए, तो इसका टैक्स कितना आएगा? आपको बस इन दोनों का टैक्स बताना है मुझे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक्स को समझते हैं। हाँ जी कर लो भाई कैलकुलेशन कर लो फटाफट। नोट्स है ना आपके पास? नोट्स में देखो, सबका आ रहा है यही? एक ने बताया 1,76,800 और इसका 20,800। करें कैलकुलेट एक बार। चलो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई आप सही कर रहे हो कि नहीं, बट फिर फटाफट करते हैं। सबसे पहले इसका लेते हैं जिसकी एज है 63, ठीक है, जिसकी एज है 63 उसके लिए 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ओल्ड टैक्स रेजिमे में कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ओल्ड टैक्स रेजिमे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं 0%, और 3 लाख से 5 लाख तक कितना 5%, जो कि 2 लाख का 5% 10,000, और 5 लाख से ऊपर 10 लाख, 10 लाख तक 20%, जो कि होगा 1 लाख,
और 10 लाख से लेके 12 लाख तक होगा कितना, 30%, यानी 2 लाख का 30% कितना होता है, 60,000। ठीक है, यही है, कितना आ रहा है, 1,70,000 प्लस इसमें आपको क्या जोड़ना है, हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज की कोई बात नहीं आएगी, क्यों बताओ, इसका 4% कितना होगा, 6,800, ये कितना आ जाएगा, 1,76,800। होपफुली सबने सही कैलकुलेट किया है, आ रहा है सबका यही, क्यों 3 लाख तक मैंने जीरो लिया, एज के हिसाब से, ये रहा आपका कैलकुलेशन, ये रहा, अगर कोई सीनियर सिटीजन हो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से ऊपर 20, 10 तक और 10 से ऊपर पे 30। ठीक है, चलो दूसरा कौन सा था बताओ, 81 एज है अगर किसी की, इसके लिए क्या रूल था बताओ जरा, 0 से 5 लाख तक 0%, यानी कोई टैक्स नहीं, और 5 लाख से 6 लाख तक 20%, कितना, 20,000। तो टोटल यही हो गया 20,000, और प्लस इसमें क्या जुड़ना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या इस पर रिबेट मिलेगी, अगर इसने न्यू टैक्स रेजिम चूज किया होता तो इसका टैक्स जीरो बनता, क्योंकि 6 लाख पे कोई रिबेट नहीं मिलती। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, 4%, जो कि आप बता रहे हो 800, तो ये आ जाएगा 20,800। होपफुली आपको अब समझ आ गया होगा ये सारे रेट्स वगैरह। ठीक है, और बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है कि रेट याद हो, बट हाँ याद कर लो तो और अच्छा है, पर आप कभी भी रेट चेक करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मान लेते हैं आपके पास कोई क्लाइंट आता है, बोलता है आपका कितना टैक्स बनेगा, तो आप बोलो 2 मिनट रुको, बैठो बताता हूँ, और आप कैलकुलेटर में तो कैलकुलेट करोगे ही, साथ में आप देख भी सकते हो रेट और देख के बता सकते हो, पर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, समझ आ रहा है, पर याद हो जाए तो और अच्छा है। चलो यहां तक की बात सबको समझ आ गई है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ध्यान रखना ये रिबेट वाली बात, ये सॉरी सरचार्ज वाली बात, कि 5 करोड़ से ऊपर पे न्यू टैक्स रेजिम में कितना सरचार्ज लगेगा, 37%। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा है कि एक बात बताओ, आंख बंद करके भी कोई बताना चाहे तो बता सकता है, अगर मैं यहां पे लिखूं न्यू टैक्स रेजिम और यहां लिखूं ओल्ड टैक्स रेजिम, तो यहां पे ध्यान से देखना, 0 से 3 लाख पे 5%, 3 लाख से 6 लाख पे 10%, 6 लाख से 9 लाख पे 15%। अच्छा एक बात और बता दूं, न्यू टैक्स रेजिम में 60 ईयर यानी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन को कोई स्पेशल चीज नहीं देता, तो जो रेट नॉर्मल पर्सन के लिए है वही सीनियर सिटीजन के लिए, वही सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, लेकिन ओल्ड में सीनियर सिटीजन के रेट थोड़े से चेंज है और सुपर सीनियर सिटीजन के रेट थोड़े से चेंज है बस। तो 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख तक, सॉरी 0, ये 5, ये 10, ठीक है ये 15, 12 लाख से 15 लाख तक 20, और 15 लाख से अबव 30%। ठीक है, अच्छा अगर ओल्ड की बात करूं तो 0 से 2.5 लाख नॉर्मली 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। अच्छा बताओ हर बार कैलकुलेशन में किस में टैक्स ज्यादा आएगा, देख के बताओ, अगर आप हल्के से भी मैथ आपकी ठीक ठाक है तो आप आंख बंद करके बता दो कि भाई यहां पे तो 10 लाख के ऊपर ही टैक्स 30% है और यहां तो 15 लाख के ऊपर जाके 30% लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बोलूं 5 लाख से 10 लाख के बीच में यहां 20 लग रहा है, यहां 5 लाख से 10 लाख के बीच में देखो यहां तक 12 लाख तक 15 ही लग रहा है, तो कहीं ना कहीं 100% हमेशा न्यू टैक्स रेजिम में ही टैक्स कम आएगा। तो आप ये क्यों कह रहे थे कि दोनों को कैलकुलेट करो, मैं शुरू से क्या बोल रहा हूं, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आप उसकी न्यू टैक्स रेजिम में भी टैक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, और फिर मैंने आपको क्या बताया, ओल्ड में भी टैक्स कैलकुलेट करो, और जिसमें टैक्स कम बनेगा उसको चूज करने दो, उसको यही बताया आपको, यानी कि भाई या तो न्यू चूज करो या तो ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करो, दोनों में से जिससे कम टैक्स बन रहा है उसे चूज करो। आप बोलोगे आंख बंद करके हर बार इसी में टैक्स कम आएगा, ऐसा नहीं है। रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा रीजन समझाता हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको अपनी 5 हेड टोटल करनी है, 5 हेड टोटल करनी है, आपने कर लिया। ठीक है, अच्छा 5 हेड टोटल करने के बाद कौन सी 5 हेड थी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बार बार क्यों बोल रहा हूँ याद हो जाए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन,
पीजीबीपी यानी बिजनेस और गेन प्रोफेशन वाला, और लास्ट में अदर सोर्स। इन पांचों को जोड़ने के बाद जो टैक्स टैक्स आता है उसे क्या बोलते थे आप? ग्रॉस टैक्स नहीं, जो टोटल इनकम आती थी उसे आप बोलते थे ग्रॉस टोटल इनकम। इस पे टैक्स देना होता था क्या? नहीं। देखो चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करो चाहे न्यू रेजिम में चूज करो, ये तो फिक्स आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, दोनों में सेम आएगी, ओल्ड में भी और न्यू में भी लगभग सेम आएगी। जब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। अच्छा अब इसमें से घटाना क्या है? डिडक्शन, ध्यान रखना डिडक्शन एटीसी से एटीयू तक ओल्ड टैक्स रेजिम में ज्यादा मिलती है, न्यू टैक्स रेजिम में हो सकता है डिडक्शन ना मिले, वो कुछ कुछ डिडक्शन मिलती है, मोस्टली डिडक्शन नहीं मिलती। मैं क्या कह रहा हूं, मोस्टली डिडक्शन अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो आपको नहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे यार क्यों कंफ्यूज कर रहे हो आप हमें, पहले से डरा रहे हो, अभी आपने समझाया भी नहीं फिर आप ये बता रहे हो। बस मैं जस्ट आपको, क्योंकि क्यूरियसिटी होती है कि भाई ओल्ड क्यों चूज करे कोई, हमेशा न्यू में इनकम टैक्स बनेगा, ऐसा नहीं है। कई सारी डिडक्शन अलाउड नहीं होती, जैसे मैं आपको चलो सिंपल समझाता हूँ। याद है मैंने आपको बताया था एलआईसी ले लो, एलआईसी ले लोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ डिडक्शन मिलेगी अगर आपने चूज किया होगा ओल्ड टैक्स रेजिम में। अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम में चूज किया है तो उस पर ये डिडक्शन नहीं मिलने वाली है आपको, ठीक है। अच्छा अब सुनो एक और बात, मैंने बताया था आपको हेल्थ इंश्योरेंस ले लो तो वो वाली डिडक्शन भी ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलती है, बस न्यू टैक्स रेजिम में वो वाली डिडक्शन भी नहीं मिलती। इसीलिए न्यू टैक्स रेजिम में देखोगे तो टैक्स कम लगता है, क्योंकि उसमें हमेशा इनकम आपकी ज्यादा आएगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, मेरी मान लेते हैं सिर्फ सैलरी से इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसको कैलकुलेट करना, आप मुझे बताना कि मुझे कौन सा रेजिम चूज करना चाहिए। मेरी जो सैलरी की इनकम है वो कितनी है? 10 लाख रुपए, और मेरी अदर सोर्स से इनकम है 2 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, सैलरी की इनकम मैं टैक्स वाली बता रहा हूं, क्योंकि जब आपको सैलरी पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा 10 लाख मिलता है तो पूरे 10 लाख पे टैक्स नहीं लगता, कुछ वहां पे भी डिडक्शन मिल जाती है, वो सब अभी भूल जाओ। अभी आप बस इतना मान के चलो कि मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं आपकी सैलरी पे 10 लाख का टैक्स लगना है और अदर सोर्स में 2 लाख, तो मेरी जो पूरी इनकम है कितनी है? 12 लाख रुपए की, ठीक है। अगर मैं न्यू टैक्स रेजिम में चूज करता हूँ, न्यू टैक्स रेजिम में, तो मान लेते हैं मेरे को कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें मैंने जैसे डिडक्शन मेरे को नहीं मिलेगा, मान लेते हैं कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कुछ डिडक्शन अलाउड होती है कुछ नहीं अलाउड होती, मान लेते हैं कुछ भी ऐसी डिडक्शन नहीं किया जो न्यू में अलाउड है, तो न्यू के हिसाब से मेरी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? 12 लाख। लेकिन ओल्ड के हिसाब से मान लेते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिमे के हिसाब से मेरे को जो डिडक्शन मिल रही है वो डिडक्शन मिल रही है 2 लाख रुपए की, मान लेते हैं मेरे को डिडक्शन कितनी मिल रही है? 2 लाख की। ऐसे केस में अगर मैं ओल्ड चूज करता हूं तो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है? 10 लाख। और अगर मैं न्यू टैक्स रेजिम में चूज करता हूं तो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है? 12 लाख। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसे केस में अब आपको मेरे को बताओ मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, आप फटाफट मुझे 2 मिनट में बताओ मुझे कौन सा रेजिम चूज करना चाहिए, ओल्ड या न्यू? कैलकुलेट करो, आप कह रहे हो ओल्ड, कैलकुलेट करके बताओ ना, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। आपने आंख बंद करके बोल दिया ओल्ड चूज करो, एक बार कैलकुलेट तो करो, हो सकता है ओल्ड ही आए लेकिन कैलकुलेट तो करो। फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है, आज की क्लास जल्दी खत्म करेंगे, फटाफट कर। आप क्या कह रहे हो? न्यू चूज करूं? चलो और कोई बताओ, न्यू पे कितना टैक्स आ रहा है? कर लो भाई, मेरी बात सुनो, एक 50 रुपए की कॉपी खरीद लो, चलो 20 रुपए कॉपी खरीद लो, सुनो इधर, नहीं 50 नहीं बोलूंगा मैं, 20 ही बोलूंगा, 20 रुपए कॉपी खरीद लो, एक पेन खरीद लो, यहीं पे रख के चले जाना,
कॉपी मेंटेन करनी है, कोई इनकम टैक्स पढ़ रहा है ना तो सीरियस होके पढ़ लेना, और नहीं तो टाइम पास करना तो इनकम टैक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इनकम टैक्स। हाँ कॉपी पेन सब कुछ लेकर आना और प्रॉपर नोट्स बनाना असलियत में भी। आपको समझ नहीं आ रहा है तो करो, सॉल्व करो फटाफट। आप तो सीए कर रहे हो ना, तो आपको ये सारी चीजें आगे बहुत काम आने वाली हैं। आप अभी से सीख लोगे तो सीए इंटर में, सीए फाइनल में ये सारी चीजें यूज होंगी, बहुत बड़े लेवल की चीजें हैं ये सब, जो सारा आगे जाके काम आने वाला है आपको। तो जो भी सीए कर रहा है आप में से, जितने भी यहाँ पे सीए कर रहे हैं या सीए करने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस और ज्यादा होके पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सीए में काम आने वाली हैं। कौन समझा नहीं? आप कह रहे हो न्यू में कम टैक्स आ रहा है, आप तो अभी कह रहे थे ओल्ड ले लो। चलो अब आ जाते हैं मेरे साथ, अब कैलकुलेट करो फटाफट, ठीक है? हम क्लास जल्दी ऑफ करेंगे, फटाफट देखो। अगर मैं न्यू टैक्स रेजिम चूज करता हूं तो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है? सबका ध्यान इधर चाहिए भाई, प्लीज सबका ध्यान इधर चाहिए। अब कैलकुलेट कर लिया, इतना टाइम मिलता है पता नहीं, 2 मिनट की कैलकुलेशन है, 1 घंटा लगा देते हो, उसके बाद भी फिर उसके बाद भी, अब मैं बता रहा हूँ तब भी लगे हुए हो, कैसे कर रहे हो इतना स्लो मैथ? अरे भाई कैलकुलेटर है आपके पास मेरे हिसाब से, मोबाइल तो सभी निकाल लेते हो तुरंत, उसके बावजूद इतना लेट, क्या है इसमें? इधर देखो, इधर भाई न्यू टैक्स रेजिम में चूज करता हूँ तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 12 लाख। अगर ओल्ड चूज करता हूँ तो टैक्सेबल इनकम कितनी है? 10 लाख। लॉजिक समझ आया? क्योंकि कई सारी डिडक्शन न्यू अगर आप चूज करते हो तो आपको नहीं मिलती, अगर आप ओल्ड चूज करोगे तो मिल जाएगी, न्यू चूज करोगे तो नहीं मिलेगी। जब मैं आपको डिडक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा कि ये वाली डिडक्शन ओल्ड में मिलेगी, ये वाली डिडक्शन न्यू में मिलेगी, ये वाली डिडक्शन दोनों में मिलेगी, समझ आ रहा है? तो उससे आपको पता चल जाएगा। प्लस इनकम टैक्स बहुत सारी चीजें याद नहीं कर पाओगे, पर जो चीज मैंने बोल दिया कि ये एकदम याद कर लो, क्योंकि क्लाइंट वो पूछते हैं तो वो तुरंत आप याद कर लेना। अब मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत कम ये इसके बराबर ना के बराबर पूछा जाएगा इसके ऊपर, पर हाँ जब आप बड़ी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो तो हो सकता है वो पूछ ले, या फिर आपके जो क्लाइंट हो वो पूछ सकते हैं, या फिर टैक्स सेविंग के लिए आप बार बार थोड़ा ना बुक खोलोगे, तो आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। चलो वो छोड़ो, अभी बताओ यहां तक बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? अब न्यू टैक्स रेजिमे के हिसाब से देखते हैं मेरा टैक्स कितना बनेगा। आप बोलोगे 0 से 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, जो कि होता है 15,000, 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10%, जो कि होता है 30,000, और 9 लाख से लेके 12 लाख तक 15%, जो कि होता है 45,000। तो ये आ गया आपका टोटल 90,000 रुपये। तो मेरे पास 90,000 रुपये का टोटल न्यू टैक्स रेजिमे के हिसाब से, प्लस मुझे कोई वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, रिबेट वगैरह मिलने वाली है? नहीं, सीधा मुझे क्या जोड़ना है यहाँ पे, 3600। तो कितना आ गया? 93,600 रुपये का टैक्स। चलो ओल्ड चूज करते हैं, ओल्ड के हिसाब से 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, जो कि होता है 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, जो कि होता है 1 लाख, और यहाँ पे टैक्स बन रहा है 1,12,500। अब इसमें आप क्या जोड़ोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये कितना है 4%, कितना बताया 4,500, ये कितना आ गया 1,17,000। अब बताओ आपको कौन सा चूज करना चाहिए, आपको न्यू टैक्स रेजिम में चूज करना चाहिए, भले इसमें डिडक्शन ना मिल रही हो फिर भी आपका टैक्स कम आ रहा है, समझ आ रहा है? तो मैं ये चूज करूंगा और इस हिसाब से टैक्स दूंगा। अब आपके मन में एक और बात आ सकती है, जिस बात को बताने के बाद ही मैं क्लास खत्म करूंगा। आपके मन में ये बात आ सकती है कि क्या हमें हर साल ऑप्शन मिलेगा कि ओल्ड चूज करना है ओल्ड चूज करो, न्यू चूज करना है न्यू चूज करो, अच्छा अगले साल फिर मेरे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे,
आपको ओल्ड लेना है ओल्ड लो, न्यू लेना है न्यू लो। इस पॉइंट के बारे में समझाता हूँ, अगर आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, ध्यान रखना है, आपकी टोटल मैंने क्या बताया, पांच हेड से इनकम हो सकती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, और लास्ट भी कौन से बताया था, अदर सोर्स। अगर आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है यानी आप बिजनेस नहीं करते, तो आपके पास हर साल दो ऑप्शन आ जाएंगे, न्यू चूज करना है न्यू चूज करो, ओल्ड चूज करना है ओल्ड चूज करो। जैसे अभी इस वाले केस में मैं न्यू चूज कर लूंगा, और फिर अगले साल मेरे पास फिर से कितने ऑप्शन खड़े रहेंगे, दो, और उस साल फिर से मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं ओल्ड चूज करना चाहता हूँ ओल्ड चूज करूँ, न्यू चूज करना चाहता हूँ तो न्यू चूज करूँ। ये मैंने लिखा है, अगर आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है, नॉट हैविंग बिजनेस इनकम, ठीक है, आप एनी ऑफ टू रेज्यूमे एवरी ईयर, आपके पास हर साल दोनों ऑप्शन रहेंगे, दोनों में से कोई सा भी चूज करना चाहो चूज करो, यानी दोनों हर बार कैलकुलेट करोगे आप, और आपका दोनों में से जिससे कम टैक्स बनेगा उसे चूज करके अपनी आईटीआर फाइल कर दोगे। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पॉइंट क्लियर है? लेकिन अगर आपके पास बिजनेस है तो ध्यान से सुनो, जब तक आप ओल्ड चूज कर रहे हो, जब तक आपके पास हर साल दो ऑप्शन रहेंगे, ओल्ड चूज करना है ओल्ड चूज करो, न्यू चूज करना है न्यू चूज करो। फिर मैंने ओल्ड चूज कर लिया तो अगले साल फिर मेरे पास कितने ऑप्शन आ गए, दो, ओल्ड चूज करना है ओल्ड चूज करो, न्यू चूज करना है न्यू चूज करो। लेकिन अगर मैंने एक साल न्यू चूज कर लिया, एक बार भी न्यू चूज कर लिया, तो अब मेरे ऑप्शन खत्म, और अब हर बार मुझे क्या चूज करना पड़ेगा, न्यू न्यू न्यू। यानी अगर मेरे पास एक बिजनेस इनकम है तो मैं जब तक ओल्ड चूज करूंगा अगले साल मैं चेंज कर सकता हूँ, ओल्ड से न्यू में जा सकता हूँ। लेकिन एक बार आपने न्यू चूज कर लिया तो आप दोबारा कहाँ नहीं जा पाओगे, ओल्ड में। एक बार आपने न्यू टैक्स रेजिम में चूज कर लिया तो आप हमेशा, अब आपको क्या लेना पड़ेगा, न्यू टैक्स रेजिम में। समझ आ गया? लेकिन मान लेते हैं मेरा विश्वास उठ गया बिजनेस से और मैंने बिजनेस बंद कर दिया, तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन दोबारा से आ जाएंगे भाई, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, बिजनेस है तो आपने एक बार न्यू चूज कर लिया तो आपको न्यू ही लेके चलाना पड़ेगा। लेकिन आपने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया तो आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, तो आपके पास फिर से कितने ऑप्शन आ जाएंगे, दो ऑप्शन आ जाएंगे, ओल्ड चूज करना है ओल्ड चूज करो, न्यू चूज करना है न्यू चूज करो। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या मैं फिर से बोल सकता हूं? एक बार लास्ट बार बोल देता हूं और क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास बिजनेस की इनकम नहीं है यानी आप बिजनेस वगैरह नहीं कर रहे, प्रोफेशन वगैरह नहीं है आपका, तो आप नॉर्मल उन चार हेड से आपकी इनकम है, आपकी जितनी मर्जी जितनी बार वो चूज करो, यानी हर साल आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू, दोनों में से जो मर्जी वो चूज करो। इस साल न्यू चूज किया, अगले साल ओल्ड चूज किया, उसके अगले साल फिर न्यू, फिर उसके साल अगले साल फिर से ओल्ड, ठीक है? ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे बिजनेस की इनकम है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ओल्ड और न्यू अभी, तो अगर मैंने एक बार न्यू ले लिया तो अब मुझे हर साल क्या लेना पड़ेगा, न्यू, हर साल न्यू लेना पड़ेगा अगर एक बार न्यू ले लिया तो। अच्छा, ओल्ड लिया तो अगले साल फिर से आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, ओल्ड लेना है ओल्ड लो, न्यू लेना है न्यू लो। न्यू लेने के बाद आप दोबारा ओल्ड पे नहीं आ पाओगे, समझ आ रहा है? लेकिन अगर आपका बिजनेस ही फ्यूचर में जाके बंद हो जाता है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, ओल्ड और न्यू। अब आप बोलोगे एक बिजनेस बंद करके दूसरा शुरू कर दिए, अरे तो फिर कहाँ से मिलेगा आपके पास, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आपका बिजनेस तो है ना, तो आपने अगर न्यू चूज कर रखा है तो आपको न्यू ही चूज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब आपके मन में आएगा कोई तो एक टैक्स रेजिम में होता होगा जो गवर्नमेंट डिफॉल्ट रखती है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट मतलब क्या, मतलब आप कुछ भी नहीं चूज करोगे तो वो अपने आप रहेगा चूज, वो होता है न्यू टैक्स रेजिम। इससे पिछले साल तक ओल्ड डिफॉल्ट था, ओल्ड मतलब अगर 22-23 की आईटीआर भरोगे आप तो ओल्ड टैक्स रेजिम में डिफॉल्ट था, गवर्नमेंट इसे रखती थी, और गवर्नमेंट कहती थी किसी को न्यू चूज करना है तो स्पेशली बताना पड़ेगा कि मुझे न्यू चूज करना है, ठीक है? अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है, डिफॉल्ट आपका क्या रहेगा, न्यू टैक्स रेजिम में, अगर आपको ओल्ड चूज करना है तो आपको स्पेशली बताना पड़ेगा कि मैं ओल्ड चूज करना चाहता हूँ। समझ आ गया? ये वैसे कोई काम की चीज नहीं थी पर मैंने आपको बता दिया, जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि कौन सा ऑटोमेटिक चूज हुआ पड़ा है, ठीक है? आप दूसरा चूज करना चाहते हो, आप वहां पे जाके चेंज कर सकते हो कि मुझे दूसरा वाला चूज करना है, ठीक है? समझ आ गया, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक का। अगली क्लास में कुछ और आगे करेंगे, अभी के लिए क्लास ऑफ।